वेबशाला। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12, पैटर्न्स। सो पैटर्न्स में फोर टाइप के पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेबल पैटर्न, सेकेंड होता है लीफ पैटर्न, थर्ड होता है ज्योमेट्रिक पैटर्न और फोर्थ होता है नंबर पैटर्न। तो वेजिटेबल पैटर्न का मतलब होता है जब आप किसी वेजिटेबल को कट करते हैं और उस कट वेजिटेबल को कलर में डिप करिए, आप कलर में डिप करके उसे प्लेट पेपर पर उतारिए, तो जो शेप बनेगा वो होता है वेजिटेबल पैटर्न। जैसे कि लेडीज फिंगर, अब आप आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 152, ये इस तरह का शेप। ये कब आया? जैसे कि लेडी फिंगर आपने देखी, यानी भिंडी, उसे आप छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, छोटे पीस में उसे कट कीजिए और फिर उसे कलर में डिप कीजिए, कोई भी एक पार्ट उसका कलर में डिप कीजिए और उसे इस तरह से पेपर पर प्रिंट कीजिए, तो कैसा शेप आएगा? ऐसा शेप आएगा। तो ये शेप हमने किससे बनाया? लेडी फिंगर यानी वेजिटेबल से, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल पैटर्न कहते हैं। सेकेंड होता है लीफ पैटर्न। तो लीफ पैटर्न में आप एक लीफ लीजिए, पेड़ का, किसी भी पेड़ का पत्ता लीजिए बड़ा वाला, उसे कलर में डिप कीजिए और उसको आप पेपर पर छाप दीजिए, तो कैसा पैटर्न बनेगा? लीफ का पैटर्न बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीफ पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट होता है ज्योमेट्रिक पैटर्न। अब ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब होता है ऐसे पैटर्न जो फिगर्स या शेप से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं ज्योमेट्रिक पैटर्न। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर एग्जांपल देखिए, पहला शेप है ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल और फिर से क्या आ गया? ट्रायंगल। तो अब आपको आगे के दो को कंप्लीट करना है, तो अब ट्रायंगल के बाद क्या आएगा? यहाँ पर क्या फिगर है? स्क्वायर। तो ट्रायंगल के बाद आएगा स्क्वायर और स्क्वायर के बाद फिर से क्या आएगा? सर्कल। तो ये आपका हो गया पैटर्न कंप्लीट और इसी तरह से ये पैटर्न आगे चलेगा। नेक्स्ट फिगर देखिए, साइड का एरो है, फिर अपवर्ड का एरो है, अब फिर से साइड का एरो है, तो अगला फिगर बन जाएगा ये साइड का, अप का, ये साइड का, तो अब अगला कौन सा आएगा? अप का एरो और फिर से अब इसके अगला अप का एरो, अप के एरो के बाद कौन सा आ रहा है? साइड का एरो। तो इस तरह से पैटर्न आगे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट होता है नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न यानी वो पैटर्न जो नंबर से बना होता है। तो नंबर से बना हुआ पैटर्न आइदर आपको प्लस करना है या माइनस करना है, फिर आपका पैटर्न कंप्लीट होगा। तो बोर्ड पे एग्जांपल देखिए 3, 5, 7, 9, इसमें आप देखिए सबके बीच में कितने कितने का गैप है? 2-2 का गैप है। 3 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो 5 आंसर आता है, 5 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो 7 आंसर आता है, 7 में जब आप 2 प्लस करते हैं तो 9 आंसर आता है। वैसे ही 9 में कितना प्लस करेंगे? 2, तो आंसर कितना आएगा? 11। 11 में कितना?